माशूका इधर कर देखो मुझको ना ऐसे दर्शाओ पास आओ है मेरे दिल जाने माशूका इधर कर देखो किसने जूते में रखा है? नहीं, ए, निकालो। ए, कहां से चुराया ये नेकलेस? कहीं से भी लाया, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गया। इसे हाँ मैं इसे जानता हूँ, इससे मैं बहुत दूर से चेस करता आया हूँ। बदमाश आंख बचाकर घूमता था, आज हाथ में आया। 3344 इसे अरेस्ट करो, स्टेशन लेकर जाओ।
अकल्ला, पहले मैं आया हूँ, मेरा काम करो तब फिर जाओ। मिस्टर, मेरा काम होने तक रुकने का टाइम नहीं है हमें। किससे होने क्या, पहले वाले की पहले सर्विस। क्यों, हमें अर्जुन काम की जाना है। कहाँ? दस में माफी और दूंगा। थैंक यू कला, मेरा काम करो। नरम दिल ना हो तो क्या लड़की है? एक छोटी सी बिंदी ना माने, वो क्या लड़का है? ये शेख के लिए हमें फॉलो तो कर रहा है, हमें इससे क्या? सारे गा मा पा, ओ
है क्या? ये सब अच्छा नहीं है। क्या? ये शर्ट नहीं। ये पैंट नहीं। ये चाल चलन मेरा चाल चलन नहीं। ये क्या मिस? आपके काम के लिए अपना काम रोक के मैकेनिक से कह के फैन बेल्ट डलवाया। जब रात में सोने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने बेडरूम दिया। इतने अच्छे दिल वाले का चाल चलन क्रिटिसाइज क्यों कर रही हैं? ये क्या न्याय है मैडम? न्याय है मैडम? तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हाँ, यस, ये तो करें। तो ऐसा करें, मैं आगे चलूं, आप पीछे पीछे। तुम्हारे पीछे मैं क्यों आऊं? ओह, नहीं, तो फिर ऐसा करें, साथ मिलकर जल्दी होकर चलें। तुम्हारी माँ बहन नहीं है? हैं, बहुत सारी हैं, ये सभी माँ बहने हैं, एक्सेप्ट यू। हाय मेरे नैनों की ज्योति, मन की मलिका, दिल की रानी, जीवन की आशा, आज मेरी दोस्त है, कल होंगी जीवन साथी। ब्यूटीफुल, देखते देखते एक रसीली मॉडर्न पोएट्री बोल दिया। शट अप, ये चिढ़ा रहा है और तुम अंकित करती हो। तो फिर क्या करूं? एक चांटे लगा के आकर सिखा दे। इसने तो हमें माँ बहन मान लिया है। ब्रदर के ऊपर हम हाथ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। नो मेंशन ब्रदर, कितना अच्छा भाई है ये। थैंक यू। भाई को देख के ज्योति का मन पिघल रहा है। किसी छुपाने के लिए ये एक्टिंग कर रही है। रियली? यू नॉटी बॉय। मेरा बस चले तो मैं न छोड़ कैसे, इतना जान लो हो, 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 तेरे लिए मैं ही जहाँ जिसे वो तुम ही हो, 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 हो। मेरा बस चले तो मैं न छोड़ कैसे, इतना जान लो हो। नहीं वो क्या थे हो तुम, फूलों का रंग कैसे हो, मन को चुराए जो अखियों से हंसे जो ऐसे मस्त वो। हा 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 क्या थे नहीं वो क्या थे हो तुम, फूलों का रंग कैसे हो, मन को चुराए जो अखियों से हंसे जो ऐसे मस्त वो। नैनों के बाण से घायल किया और ले गई दिल को वो, 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 तेरे लिए मैं ही रहूं जहां जिसे वो तुम।
है और उसे ही सुख है, औरत से ही सब कुछ है। औरत को जीतने वाला कौन शेख चिल्ली? गुड मॉर्निंग किरण, कहाँ हो? टेलीफोन बूथ में खड़ा, ज्योति के साथ बात कर रहा हूँ। क्या हो किरण, रात तुम्हारी वजह से नींद नहीं आई मुझे, कितना परेशान किया। हाँ? क्यों 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 क्यों? मैं तो रात में वहाँ नहीं था। मेरी पूरी ट्यूबलाइट, वो बात नहीं, रात को सपने में आके कितनी तकलीफ दे दी है। सपने में ना, सामने आके तो कोई तकलीफ नहीं दिया ना। सामने आके तकलीफ देते तो मैं सपने में तकलीफ नहीं उठाती। तो फिर एक किस दे दो। दे दो, दे ही दो। थैंक यू थैंक यू। आप हैं? जरा ठहरिए। किस लिए? आप ही का घर है ना। देखिए, लोग कहते हैं मेरी याददाश्त कम खुराक ज्यादा है, वैसे मैं हूं भुलक्कर। मुझे आना था आपके यहाँ, लेकिन सामने के घर से गाली खा के आ रहा हूँ। हाँ, अरे तुका। ओहो, थोड़ी इज्जत दीजिए, मेरा नाम तो टेलर तुकाराम राय है जी। टेलर तुकाराम राय जी, टेलर का काम छोड़ के धोबी का काम कब से शुरू किया? हाँ, राम राम, मैं तो खानदानी टेलर हूँ जी। मैं नए नए कपड़े ले जाके सीता हूँ, गंदे कपड़े ले जाके धोता नहीं। फिर ये टेलर कैसा? यही तो राज की बात है मैडम जी। बाजू वाली पार्वती के, सामने वाली दुर्गा के, पीछे वाली काली के, इधर वाली चंडी के, सबके कपड़े इसमें हैं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैडम, मैंने पहले ही कहा था मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है ना। देखिए, कुछ दिन पहले आपने मुझे ब्लाउज सीने को दिया था, उसे लूज रखूं या टाइट, यही पूछने आया था मैं। टाइट कर देना। ठीक है, टाइट कर दूंगा। हाँ, बना के लाता हूँ। जिप लगा दू। ऑलवेज बटन ही तो लगाते हो। बटन बटन। अच्छा, आगे लगाओ या पीछे? Good morning. Good morning.
नमस्ते मालिक। नमस्ते। बस आप ही का इंतजार था। मुझे देर तो नहीं हो गई? नहीं, आप ठीक वक्त पर आ गए। क्यों बहन, तुम्हारी शादी मंजूर है? She is normal. Nothing to worry. हाँ शेखर, मैं कह रहा था फॉरेन से मेरे पहचान के एक डॉक्टर आए हुए हैं। मेंटल केस के ट्रीटमेंट में वो बड़े एक्सपर्ट हैं। माँ को एक बार उन्हें दिखाओ, जरूर ठीक हो जाएंगी। प्लीज डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। बड़ा स्टेट है, बड़ा बंगला है, इतनी सारी दौलत है, क्या फायदा डॉक्टर, जब मन को शांति नहीं। 15 साल से मेरी माँ को दिमाग की बीमारी है। वो सब की तरह हंसने बोलने के लायक हो जाए डॉक्टर, आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट ऑल दिस। मेरी माँ अच्छी हो जाए डॉक्टर, माँ अच्छी हो जाए। डॉक्टर, भगवान के बिना मंदिर ही क्या? जिस घर में चिराग जलाने वाली न हो उस घर का क्या फायदा? लड़की वाले तो लाइन लगाए खड़े हैं, क्या किया जाए। कहते हैं जब तक माँ ठीक न होगी शादी नहीं करूंगा। अगर आपकी दया हो जाए तो इस घर को बसा देने का आपको पुण्य मिलेगा। शिवशंकर, कौन डॉक्टर रोगी को अच्छा नहीं करना चाहता? प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। मिस्टर शेखर, आज ही फोन करके टाइम फिक्स करता हूँ, कल हम दोनों बेंगलोर चलेंगे। गुड लक। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मैं तो मुर्गी पकाते पकाते तंग आ गई हूँ। हाँ मुन्नी, अगर हम लोग इन मुर्गियों को नहीं खाएंगे तो इन्हें मुक्ति कौन देगा? जल्दी जा, इसे काट के लहसुन वाले बढ़िया तेज मसाले में डाल के धीरे धीरे चला के घोट के घोट के चटपटा बना। ये ले। पिताजी, क्या रोज खानी ही चाहिए मुर्गी? इसे खाए बिना जिएंगे नहीं क्या? ओ मुन्नी, अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटी? देखो, अनाज खाने वाले की 60 साल की उम्र और मुर्गी खाने वाले की 100 साल की उम्र होती है। देखो, तुम्हारे बाप है मुर्गी शिव शंभू, मेरा बाप है मुर्गी धर शंभू, उनके बाप है मुर्गी स्वयंभू, और उसके पहले हमारे नाना के चाचा जी दिन में 10-10 मुर्गी काटते थे। पिताजी, जो एक दिन में इतनी मुर्गियां कटती थी तो वो सब खरीद के लाते थे या कहीं चोरी करके?
भाई, चोरी करना हमारा खानदानी पेशा नहीं है। हाँ, मुंह पर पैसा फेंक के मुर्गियां खरीदते थे। ओ पोस्टमैन जी, मनी ऑर्डर है। अल्लाह क्यों सारी, हर हफ्ते पैसा कौन भेजता है? अरे ये तो मेरा होने वाला जमाई है, मेरा भांजा, बाप मां नहीं। लड़की क्या नाम है? मेरा नाम जानने से तुम्हें क्या मतलब है? ओह, तुम नहीं जानती कि तुम किससे बात कर रही हो? खूब जानती हूँ, तुम एक गुंडे हो। ए जुम्मा। जी मालिक। कौन है ये लड़की तीखी मिर्ची जैसी बातें कर रही है? ये तो शेखर बाबू के यहाँ काम करने वाला राजू है ना, उसी की बेटी लक्ष्मी है। ओ, राजू की बेटी है, उसे कह दो कि आज शाम को मुझसे आके मिले। हाँ कितना? हाँ 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 हो गया। ए जल्दी जल्दी। क्यों शिव शंभू, राजू नहीं आया? नहीं, आज राजू की बेटी का ब्याह हो रहा है। राजू की बेटी का ब्याह? यस सर। कहाँ? राम मंदिर में। हाँ? इस स्टेट में मुझे बिना बताए ब्याह? क्यों राजा राम जी, तुमने अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी रचा डाली और मुझे खबर भी नहीं की, क्यों? शायद तुम्हें टाइम नहीं मिला होगा। जल्दी जल्दी में, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। जल्दी जल्दी में सारा इंतजाम किया होगा, और इंतजाम तो शानदार है। नए लगते हैं ये लोग, कौन है? ये लोग मेरे दोस्त हैं। क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं। नमस्ते। क्यों जी, तुम कॉलेज जाने वाली लड़की हो, तुम्हारी सखी सहेलियों में से कोई नहीं आया, या तुमने बुलाया ही नहीं? देखो भाई, ब्याह तो जीवन में एक ही बार होता है बस, उसमें दोस्त स्नेही लोग और अपने लोग हो तभी अच्छा लगता है। ओ, तुम तो कोई नेता लगते हो, शादी देखने आए हो या भाषण देने के लिए? मालिक होंगे तो ये होंगे तुम्हारे लिए, हमें क्या? करेक्ट। मैं मालिक हुआ तो क्या हो गया, जमाई राजा जिगर वाले हैं, ये है सच्चे मर्द। क्यों गंगा, ये शादी मंजूर है? तमीज से बात करो। क्यों गंगाराम जी, आपको ये मंजूर है? हाँ हाँ क्यों नहीं, ब्याह मंजूर है। हाँ। लक्ष्मी तुम्हें, डरना मत, फंस कहो क्या मंजूर है? फिर क्यों मंडप में बैठी हो, चलो उठो। मेरे पिताजी ने इनसे कुछ साल पहले कर लिया था, इन्होंने कहा या तो रुपए दे दे या अपनी लड़की, और कोई चारा नहीं था। लक्ष्मी, राजा राम, इन्हें कितने रुपए देने हैं बोलो, मैं देता हूँ। आओ चलो मेरे साथ आओ। कहाँ? मेरे घर। ये क्यों, रुपए लेने? नहीं चाहिए तुम्हारे रुपए। गंगाराम, अच्छे आदमी ऐसे झगड़ा नहीं करते, मान जाओ नहीं तो ठीक ना होगा। मालिक, Ah!
एम सॉरी, आपके साथ तमीज के साथ बात करनी चाहिए थी ना। कौन सी लक्ष्मी चाहिए, धन लक्ष्मी की गृह लक्ष्मी? कोई भी नहीं। चलो उठो, लाइन से खड़े हो जाओ। क्यों रे, नमस्कार के जवाब में नमस्कार करना नहीं है? उठो, उठ जाओ। दोबारा किसी ने भी इस तरफ कदम रखा तो सबको काट के रख दूंगा हरामजादो। राजा राम जी, डरना नहीं, ये लोग अब इधर नहीं आएंगे। ठहरिए, अपना काम पूरा किए बिना यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे? मतलब? आपने गलत शादी को तो रुकवा दिया, अब सही शादी को भी आप करा दी तो आपका यहाँ आना सार्थक हो जाए। नाम तो लक्ष्मी है पर सरस्वती का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बहुत है, और तुम हिम्मत वाली हो इसलिए तुम्हारी जीत हुई। ये हिम्मत आप ही के कारण हुई है। चलो ठीक, तुम जिसे पसंद करो उसी लड़के से तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं खुद शादी धूमधाम से करवा दूंगा। लग्न मंडप के नीचे जिसकी शादी टूट जाए उसका भविष्य क्या होगा? ऐसी हालत में मेरे साथ कौन शादी करेगा? ऐसा कौन है जो माणिक मोती को ठुकरा दे? सच पूछते हैं तो मेरे लिए आप हैं। लक्ष्मी, मेरे पिता कल नहीं लौटा सकते थे, उन्हें आपने संकट से बचा लिया, बदमाशों से मेरी रक्षा की। इस जन्म में आपका ऋण मैं नहीं चुका सकूंगी। मैं सच कह रही हूँ, आपके धन दौलत और इज्जत की आशा से नहीं कह रही हूँ, गलत मत समझिए। आपका हृदय तो मनुष्यता, दया, विश्वास से भरा हुआ है। से मिल के आता हूं, तुम मां का ख्याल रखना। हाँ, लौटते वक्त अपनी बहन को लिवा लाना मत भूलिएगा। ठीक। कौन इसका पीछा कर रहा है? ये क्या कर रहा है?
ये नेकलेस चुरा के भागा था, इसे पकड़ लिया। ओ, मैं चोरी करके भाग रहा था। चलो पुलिस स्टेशन। डॉक्टर, मैं हर चीज बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन चोरी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये देखने में जंटलमैन लगता है तो ये मेहनत क्यों नहीं करता? ऐसों की वजह से कितने घर बर्बाद होते हैं। यूजलेस फेलोस। इंस्पेक्टर, इसे अंदर कर दीजिए। दिन दहाड़े भरे रास्ते के ऊपर गले में हाथ डालकर नेकलेस चुराया बदमाश ने। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो किरण, तुम यहाँ कैसे? देखो इंस्पेक्टर, कैसा जमाना आ गया है। ये चोरी करके भाग रहा था, मैंने इसको फॉलो किया, अब ये चारों मिलकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। ओह, क्या रे, इन्हें चोर कहते हो? इन्होंने चोरी किया है? सर, सर, सर। ज्योति? किरण? ज्योति, तुम यहाँ कैसे आई? मेरा नेकलेस चोरी हो गया, कंप्लेंट करने आई हूँ। यही है? हाँ सर, यही है सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट। मैडम, आपके नेकलेस चुराने वाले का चेहरा याद है आपको? जी हाँ सर। तो फिर इन चारों में से कौन है? ये है सर। ओ, यही है। मिस्टर किरण, अब आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। ऑल राइट, थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आनंद, मैंने जो फोन किया था ना, यही है स्टेट ओनर मिस्टर शेखर। हाउ डू यू डू? फाइन, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। आपकी मां का केस मैंने स्टडी किया। ट्रीटमेंट देने से पहले एक बार आपके साथ चलकर बीमार को देख के ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा। जी डॉक्टर। बस आज सुबह आया हूँ, माँ के बारे में डॉक्टर की राय पूछने आया था। सोचा आया हूँ तो साथ लेता चलूँ तुम्हें। माँ तुम्हारी भाभी जी तुमसे मिलने को बेचैन है। भाभी? अरे शादी भी कर ली। वहाँ पहुँच के सब मालूम हो जाएगा। तुम खाना खा लो, जल्दी निकलना है। यहाँ भैया रात की गाड़ी से निकले तो? ओके ओके। गुड मॉर्निंग किरण। हेलो स्वीटी, क्या हाल है? कुछ नहीं, आज शाम को मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों? क्यों क्या? परीक्षा खत्म होती है, खत्म हो गई और भैया भी ले जाने के लिए आए हैं। भैया से कह दो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो सब अपनी शादी हो जाने के बाद। शादी के बाद? शादी अभी की लेता हूँ। चलो बटो, हमेशा मजाक करते हैं। किरण, हफ्ते में एक बार खत लिखते रहना। दिन में एक बार तुम्हारे साथ ट्रंक कॉल से बात करूंगा। पिताजी, 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 किसने आपका खून किया? पिताजी, आप जैसे देवता का किस चल्ला आपने खून किया? पिताजी, पिताजी, मेरे जैसे अनाथ को आश्रय देकर फिर से अनाथ बनाकर आप चले गए। पिताजी, आपकी गलती नहीं है। पिताजी, आपकी गलती नहीं है। हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाला है भगवान, उसकी गलती है। भगवान, भगवान, पिताजी ने क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसी सजा दी? मेरे जैसे अनाथ को रास्ते से उठाकर उन्होंने सहारा दिया क्या? इसलिए उनकी हत्या करवा दी? नहीं, ये जिंदा रहते तो मेरे जैसे कितने ही अनाथों को सहारा मिलता क्या? इसलिए क्यों, क्यों इनका बलिदान लिया तुमने? तुम सचमुच के भगवान हो, तुम सचमुच के भगवान हो। वो पापी कौन है बता दो। Daddy! Daddy!
डैडी 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 हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए, किसी ने उनका खून कर दिया। खून खून उसी ने खून किया है। पिताजी का खून किसने किया जानते हो? भैया थोड़ी देर पहले पिताजी से वो गौदी की चाबी उनसे मांग रहा था, मैं उसकी फोटो खींच के प्रिंट करने के लिए अंदर गया, इतने में पिताजी का खून हो गया। उसका फोटो है तुम्हारे पास? फोटो है तुम्हारे पास? हाँ लाओ। भगवान ये कैसी हमारी परीक्षा ले रहे हो? वो खूनी तो यही है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता। वो कोई भी हो उसे छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या भैया? मेरी आंख में देखो। क्यों, क्या बात है? ऐसे ही देखते रहो, क्या दिख रहा है? इसमें तो मैं दिखाई दे रहा भैया। करेक्ट, तुम ही दिखते हो ना। वैसे ही पिताजी की आंख में वो खून ही दिख सकता है। हो सकता है। एक काम करो, फोटो खींच के पिताजी की आंख का एनलार्जमेंट करो, उस खूनी की शक्ल दिखेगी। अभी इलाज करके लाया भैया, क्विक। लाइट डालता हूं, लाइट लाइट लाइट, वहां देखिए, वहीं देखते रहिए, ऐसे रखता हूं, लाइट को देखिए, देखते रहिए, वहीं वहीं। राजा जिंदा है, राजा जिंदा है, आपका बेटा राजा जिंदा है, राजा जिंदा है, आपका बेटा राजा जिंदा है। लक्ष्मी, ज्योति, ये बहन है ज्योति। ज्योति क्यों मारा मेरी बच्ची? क्यों बेटी, अपनी भैया जैसी बड़ी हो गई? और ये ओ ब्याह हो गया तुम्हारा, उस दिन तो आशीर्वाद नहीं दे सकी, आज आशीर्वाद देती हूँ मेरे बच्चों। मिस्टर शेखर, अब माँ जी पूरी तरह ठीक हो गई। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। कहिए डॉक्टर। उनकी ऐसी हालत में उनका बेटा राजा मर चुका है, या आप उनके बेटे नहीं हैं, ऐसी कोई बात किसी भी तरह उन्हें मालूम ना हो। ओके ओके डॉक्टर। सच बात मालूम होने से फिर से पहली हालत में आ जाने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए वहां जिक्र ना करके आपसे यहां कह रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, सच तो हम दोनों को मालूम है,
ये बात हम दोनों तक ही रहेगी। वेरी गुड, मैं चलूं। ओके। ये क्या, इसे तो जानता हूं। कौन है ये, कहां रहता है? हमारे गांव पता लगाता हूँ। बहुत अच्छा राजू, मैं अभी आता हूँ घूम फिर के। मैं चलो, मुझे लौटने में देर होगी। ओके। तो ये है, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ नहीं आया। फिर मैं खूनी को ढूंढते हुआ आया। खूनी को? हाँ। एक बात बताऊं कि हाँ। वो खूनी तुम नहीं है। क्या कहते हो? तुमने पहली ही नजर में मेरे कलेजे पर बर्छी चला दी है। ओ ज्योति, सच यह है कि आप दोनों तरफ बराबर लगी है। तुम तो मेरी जीवन ज्योति हो, तुम नहीं तो मैं नहीं। ओ किरण ज्योति, जानते हो तुम्हें इस तरह से लिपट के आकाश में उड़ जाने का जी करता है। किरण, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है ज्योति। किरण, तुम मेरे घर पर आओ ना। क्यों? किस जैसे तुम्हारा काम होने पर वही रो आना। तुम्हारे भैया जो है, तुम नहीं जानते भैया कितने अच्छे हैं। आओ ना किरण। ज्योति, ये क्यों,
यहाँ की तरह कर नहीं सकेंगे ज्योति। तुमसे बात कैसे होगी, प्यार कैसे होगा, सिर्फ तुम्हारा दर्शन होगा। लेकिन फायदा क्या, वहां रहना ठीक नहीं। इससे तो अच्छा है शाम तक यही रहे, आराम से वक्त कटेगा। क्यों मेरी माँ और मेरे भैया मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने दो। हाँ तुम्हारी माँ कैसी है? सब ठीक हो गई है, एक पल भी मुझे नहीं देखती तो ज्योति ज्योति करके ढूंढने लगती है। क्या कह रहे हैं फिर? हाँ कह रहे तुम इसी जगह मुलाकात करेंगे। हाँ कल इसी जगह मिलेंगे। ए मिस्टर, कौन हो? ये निशाना मेरे ऊपर क्यों लगा रखा है? जिस लड़की के साथ तुम बात कर रहे थे मैं उसका भाई हूं। अच्छा, सो व्हाट? सो व्हाट? क्यों, बंदूक में गोली नहीं है? मेरी बात का जवाब दो नहीं तो गोली मार दूंगा। मिस्टर, मुझ में गोली का सामना करने की ताकत है। इज इट? हाँ। गुड, वेरी गुड। इसके बाद ज्योति के साथ तुम्हें देखा तो खैर नहीं, लेकिन मेरे प्राण को ज्योति के प्राण से अलग। मिस्टर, बल की परीक्षा मत करो, मैंने भी मां का दूध पी। किसी को कुछ हुआ तो ज्योति को तकलीफ होगी, उसे तकलीफ में डालने से हम दोनों को एक जैसी तकलीफ होगी। सुनो, अगर फिर से ज्योति का नाम लिया तो जबान काट डालूंगा। फिर से अगर यहां दिखाई पड़ गए तो मैं नहीं तुम्हारी बंदूक बोलेगी। करेक्ट। विल सी। करने मैं नहीं आया,
दोस्ती मिलेगी भी नहीं। न मिलने वाली चीज को हाथ बढ़ाऊं, इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। इतनी अकल होती तो तुम यहां ना आते। लालच करने वाले को अकल नहीं होती। शट अप। इस बर्ताव का जवाब मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि यह तुम्हारा घर है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बेइज्जती करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। यह किसका है? मेरा। इसे कब चुराया? मेरे साथ लड़ते वक्त तुम नीचे गिर गए थे तो यह गिर गया। दूसरे की चीज रखना ठीक नहीं, इसलिए मैं उसे ऐसे ही लौटा देने के लिए आया हूं। पर्स देने के लिए? ये कैसे मान लूं मैं? मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तूफान में दिया जलाने की कोशिश मैं नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं करूंगा। हल मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए आगे सोच समझ कर कदम उठाना। गेट आउट। एक बात का जवाब मिल जाए तो चला जाऊंगा। गेट आउट। ये फोटो तुम्हारे पास कहां से आया? इस फोटो से तुम्हारा क्या संबंध है? गाय और बछड़े का संबंध है, डाली और दरख्त का संबंध है, जो मेरी मां है। वो देखो, वो क्या बात है शेखर? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, वो देखो, कहीं वो कहीं। मेरा ये दोस्त, इसकी मां मुझे बहुत प्यार किया करती थी। उसी की याद के लिए ये फोटो अपने पास रखा है। सर, सर, मेरा भाई सोमशेखर कहां है? सर कहां है? सर वो भी तो अपनी मां के साथ मर गया। मेरा भाई, आंसू बहाने से मरने वाले जिंदा नहीं हो जाते। सच, लेकिन ये बात भी सच है कि मां मर जाए लेकिन ममता कभी नहीं मरती, ममता कभी नहीं मरती। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, दया करके मेरी मां का फोटो मुझे दे दीजिए। दया करके मेरी मां का फोटो मुझे दे दीजिए। दया करके मेरी मां का फोटो मुझे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वो मेरे मरहूम दोस्त का भाई है मां। मेरे दोस्त की याद आ गई मुझे। शेखर बेचारा, वो लड़का अपनी मां का फोटो मांग रहा था, क्यों नहीं दे दिया मां? हाँ बेटी, देखो तुम्हें अपनी मां के साथ कितने प्यार है, ऐसा ही समझता है। देखो उसकी मां का फोटो तुम्हारे हाथ में रहने से बेटे के हाथ में रहना अच्छा है बेटा। हाँ माँ, मैं दोस्त हूँ। ये उसकी माँ की फोटो उसे दे देता हूँ मैं। अरे बेटी जाओ उसे दे दो। अच्छा माँ, अच्छा माँ। मिस्टर सुनो, लो अपनी मां की फोटो, लेकिन एक शर्त है।
एक ही क्यों, 100 शर्त बोलिए, सैकड़ों शर्त के लिए तैयार हूं, लेकिन मां की फोटो दे दीजिए सर, मेरी मां की फोटो दे दीजिए सर, प्लीज मेरी मां की फोटो दे दीजिए सर, प्लीज सर। ज्योति सर को मत मिलना, मत बोलना, ठीक है, देखना भी नहीं। जी सर, वचन दो। देखो मां, भैया भी मुझे छोड़ कर चले गए, मेरा कोई भी नहीं इस दुनिया में, अकेला ही रह गया मैं, मेरा कोई भी नहीं सारी दुनिया में। भैया नहीं है? नहीं, तुम खाना खा लो। रामू, रंगी, अब तुम जाओ। ज्योति, तुम किसी को चाहने लगी हो? किसी को लव करती हूँ सुना है? ओ, क्या कह रही है, संकोच की बात मैं कैसे कहूँ? संकोच से समस्या का हल नहीं होता। मैं वक्त पर हिम्मत से बात नहीं करती तो आज इस घर की बहू बन के ना आई होती। भाभी, तुम्हारा जवाब नहीं, यह है मेरे प्रश्न का उत्तर। लेकिन अभी ये बातें क्यों? आज वो किरण यहाँ पधारे थे। कब आए थे? देखा, चोरी खुल गई ना। जाओ भाभी। अच्छा तो भैया से उन्होंने बात की? बात तो की। तो मैं भैया से पूछती हूँ। नहीं ज्योति, उनका मुंह ठीक नहीं है, अभी बात करने से काम बिगड़ जाएगा। बैठो। की बेल से कांटा निकाल फेंकने पर भी वो कांटा यही पड़ा हुआ है। फूल की बेल निकाल के कांटे के ऊपर फेंक दो तो वो बेल कांटे से लिपट जाती है। फिर लौट के बगीचे में नहीं आते उसे शेखर। यू आर टू इंटेलिजेंट बट यू आर ए फूल। तुमने एक इंटेलिजेंट आदमी के रिश्ते को ठुकरा दिया, इसलिए बाय। तुम क्या जानो, वो कितना भारी जवान है, उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए मैंने अपने दो चार गुंडे भेजे तो उसने उनके हाथ पैर तोड़ के यहां भेज दिया। मैं यहां नहीं था गंगा, इसलिए ये बेइज्जती हुई। इस अपमान का बदला लेना होगा हमें। मुग्गा, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो लक्ष्मी को यहां ले आओ भी। गंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। Thank you.
मामा, एक एक हाथ में एक एक मुर्गी, दो दो मुर्गी। आहा, तुम्हें चिकन बिरयानी पसंद है ना, इसीलिए दस दस रुपए देकर ले आया हूँ। दस रुपए देके मामा, दस रुपए निकालते वक्त दस दफा आंसू बहाने वाले तुम, दस रुपए देके लाओगे क्या? कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मेरे लिए होगा। मुन्नी जाके देखो। देखो मामा, मेरा ये जो व्यापार है ना व्यापार, कोई ना कोई आके दरवाजा खटखटाता ही रहता है। मामा पुलिस आई है। पुलिस? ओह, मेरी पिक पॉकेटिंग के बारे में पुलिस को पता तो नहीं लग गया? ओहो, मेरी मुर्गी चोरी के बारे में पुलिस को पता तो नहीं लगा? अरे यही तो थे। मामा मामा मामा, तुम जल्दी आ जाओ। तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम ही जाओ। ओहो, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों चलेगा। ओ, ये सब चुरा के नहीं भाई, खरीद के लाया हूँ। मैंने तो चोरी नहीं की है। खरीद के लाऊं? आपके लिए नहीं, हम इसके लिए आए हैं। इसके लिए तो लेके जाओ। ए, यहाँ आए हुए इतने दिन हुए, पुलिस स्टेशन आके साइन क्यों नहीं किया? इसका साइन क्यों? कुछ नहीं मामा, डीआईजी मेरा क्लासमेट था, मैं साइन करूंगा तो उसे प्रमोशन मिलेगा। ये मामूली आदमी नहीं है, बेंगलोर में कहीं भी चोरी हो पहले इसको पकड़ते हैं। चलो। मैं साइन करके अभी आता हूँ। बाबा तुम भी जाओ ना। कहता था सोने चांदी का व्यापार कर रहा है और पुलिस का कहना है कि कैंची का व्यापार करता है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये करता क्या है। इस कलयुग में कौन अच्छा है और कौन चोर है ये कहा नहीं जा सकता आजकल भाई। रोती क्यों हो, चुप रहो मुन्नी, वो पुलिस स्टेशन जाके साइन करके अभी आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। वो लक्ष्मी कहाँ है? कौन लक्ष्मी? और कौन लक्ष्मी? राजा राम की बेटी लक्ष्मी, उसी को लेने गए थे ना। और वहां शेखर का क्या हुआ? वो क्या बताएगा, उसका जो पूरा हलवा बना दिया हमने। खाली हाथ क्यों आए हमारे पास? काल भैरव का समाचार कहने आया हूं तुम्हें। कौन है वो काल भैरव? सरदार, सरदार। क्यों रे, उधर का काम कराया तू? सरदार। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? पुलिस वाले पहुंच गए सरदार। पुलिस वाले? तो फिर वो हमें मार डालते, लेकिन हम आ गए सरदार। आ गए ना, बड़े बुद्धिमान हो, कहीं लगा तो नहीं ना सरदार? यही काल भैरव की गुफा है गंगा। आजा काल भैरव। गंगा? गंगा? हाँ, क्या चाहिए? कहिए। मेरा ब्याह हो रहा था एक लड़की से। लड़की से? ब्याह के मंडप में घुस के उसके लड़की वहां से उठा ले गया वो शेखर। कौन है साला वो शेखर? ज्योति स्टेट का मालिक। हाँ, ये सच है ना? हाँ। ए कायर, मुझे
पीछे कर रखी मूछे निकाल देने। उसने तुम्हें हरा दिया और तुम डर के भाग आए, ये कहते लाज नहीं आती थक तेरे की। वहां से डर के मैं नहीं भागा। तो फिर अच्छी लड़ाई करनी पड़ी वहां। मैं अकेला ही नहीं, बुग्गा भी खूब मार खा के भागा। ये सच है ना? हाँ गुरु, उसे टक्कर लेना मुश्किल है। वो क्या आती है, क्या शेर है, क्या है वो? एक कीड़े की तारीफ तुम मेरे आगे कर रहा बुग्गा। फिर क्या करूं? वो सौ आदमियों से भिड़ के मुकाबला कर सकता है। ये रहने दे बेटे, ये रहने दे। ए जंबो, सरदार। जंबो, ज्योति स्टेट जानता है ना? जानता हूँ। उसके मालिक को भी जानता है? जानता हूँ। तो उसे यहाँ पर पकड़ ला। नब्बे, पांच सौ नब्बे, छह सौ, छह सौ, छह सौ। आ जाओ। कैश बॉक्स चाबी दो। नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। दे दो। जल्दी से दो। इसको बांध दो। जान को जान दो। सहायता करना मनुष्य का कर्तव्य है। That's all right. इस उपकार को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। It's all right. ये उपकार नहीं। तो दोस्ती है? दोस्ती? तुम्हारे साथ? क्यों? क्या मैं दोस्ती के योग्य नहीं हूं? तुम्हारी दोस्ती पाने के योग्य मैं नहीं। ऐसी दोस्ती की योग्यता मुझ में कहां? क्योंकि तुमने एक आंख लेके बदले में दूसरी आंख दी है। बाकी फोटो देके उसके मेरे साथ व्यापार करने वाले धर्म राजा, दोस्ती का व्यापार करने वाले से कैसा रिश्ता? नेवर। और
न जाने कहां से बिजली की तरह टूट पड़ा किरण। बस फिर तो ऐसा हुआ कि हमें जलाने वालों को ऐसा मारा कि वे सब के सब घबरा गए। और फिर उन दोनों ने मिलकर वहां उन गुंडों को ऐसा मारा। मसाला रगड़ रही हूँ। इस दिल को प्यार का मसाला लगाना छोड़ के तुम तो वाह मुर्गी मसाला रगड़ती हो। चिकन मसाला है। ए मुन्नी, तुम्हारे बाप रोज रोज दो चार मुर्गी लेकर आते हैं ना? वो रुपया भी कर जाते हैं क्या? क्या नहीं, नहीं तुम्हारे बाप तो मुर्गी चोर लगते हैं। तुमने मेरे बाप को चोर कह दिया? मेरे बाप है क्या? उनके बाप और चाचा पुरखों के जमाने से मुर्गी खा रहे हैं सभी लोग। और उन दिनों यहाँ 10 मुर्गियाँ करती थी। 10। अरे बाप, कहीं मुझे तो नहीं काट लोगी यार? बस करो, छोड़े सब, कोई बात नहीं, खुद ससुर जी से ही आकर पूछ ही लेता हूँ। पार्वती, 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 चिमन जी यहाँ क्या आए हैं? दही दूध लेकर आई रही थी। नहीं नहीं, हमारा छोटा मुर्गी का बच्चा उड़ के भागा, उसे खोजता हुआ यहाँ आ गया हूँ। बच्चा यहाँ नहीं।
मेरी जोड़ी नब तेरी जोड़ी थकी है ये लंबू बदन में कुछ नहीं है उधर जाना ना अरे इधर पास आ अरे इधर पास आ अरे इधर तो न जा प्यार के जंगल में सूख पेड़ जैसा है तू मेरे ऊपर पेड़ का रस चक तुम ही देखो प्यार के जंगल में सूख पेड़ जैसा है तू मेरे ऊपर पेड़ का रस चक तुम ही देखो क्या तेरे पास आऊं बोल तुझे गल लगाऊं क्या तेरे पास आऊं बोल तुझे गल लगाऊं छोटा नाता है ये छोटा गले ना लगाना इधर पास आ अरे उधर तो न जा उधर जाना ना अरे इधर पास आ नन जान तेरे लिए किम ले आया हूं अरे मैं आज तेरे लिए हम ले आया हूं इधर पास आ अरे उधर तो न जा उधर जाना ना अरे इधर पास आ क्यों किरण नाराज हो मुझसे ज्योति तुमसे नाराज होने के लिए ना तो इतना बड़ा आदमी हूं मैं स्टेज का मालिक देखो तुम आज से यहां कभी मत आना मुझसे फिर मिलना भी नहीं ये क्यों वो अपने भैया से पूछो भैया किरण को मुझसे मिलने के लिए मना किया है क्या कौन किरण दरवाजे पर आए हुए को तुमने बेइज्जती से लौटा दिया वो किरण ओ क्यों भैया उसने तुम्हें कोई धोखा दिया क्या नहीं बेईमानी की नहीं जमीन ज्यादा हड़प लिया क्या नहीं तो फिर उसकी बेइज्जती क्यों की बेइज्जती नहीं की सिर्फ तुमको मिलने जुलने और प्यार करने को मना किया वजह वो अच्छा आदमी नहीं है तो आप उन्हें बहुत दिनों से जानते हैं नहीं क्यों भैया इतने साल साथ रह के अभी तक आपको मैं ठीक से नहीं समझ सकी और एक ही मुलाकात में उनकी अच्छाई बुराई आप जान भी गए ज्योति मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहूंगा क्या यही अच्छा किया जो दो प्रेमियों को अलग अलग कर दिया आपने हम दोनों को आशीर्वाद देने के बदले हमारे शांत जीवन में तूफान खड़ा कर दिया तुम्हारे जीवन में आगे तूफान ना आए इसलिए मैं आज इतना कठोर बन गया कठोर नहीं बनी हो हमारी खुशी में तुमने आग लगा दी है किरण से शादी करके तुम सुखी नहीं हो सकती भविष्य में पछताना पड़ेगा तुम्हें मैं जिसे चाहूं उससे शादी करने का क्या हक मुझे नहीं है हक है तो क्या तुम्हें मैं कुएं में कूद जाने दूंगा मैं बड़ी हो गई हूँ ये पढ़ के समझदार भी हो चुकी हूँ मैं क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने की आखिर मुझे अच्छी तरह से है उम्र का तजुर्बा तुमसे ज्यादा मुझे उम्र के तजुर्बे की इसमें क्या जरूरत है चाहने वालों का ब्याह कराते वक्त तुम लड़के और लड़की से हमेशा यही पूछा करते हो ना कि लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं या नहीं वही तो मेरे ब्याह के समय दीवार बन गए ये न्याय है क्या ये धर्म है क्या इस देह में प्राण रहने तक मैं संबंध को होने नहीं दूंगा तुम कौन हो जो हमें रोकने वाले
उसे बाहर भेज दे। वो पाताल में हो तो भी हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मर्द का बच्चा हो तो सामने आ जाए। खून करने वाला यहाँ कोई नहीं है। उसे यहाँ भेजते हो या मैं ही अंदर आ जाऊं? मर्द हो तो तुम ही अंदर आके देखो। ए सुनो सुनो सुनो, बुग्गा को ले जाने के लिए वो दोनों आए हैं, हमें होशियार रहना है। चाहते हो तो हथियार नीचे डाल दो वरना इससे। चुपके से यहाँ आ गया है। ए, इसको यहीं पर खत्म कर दे। रुक जा, मैं देखता हूँ। देखो
तुम जिंदा रहोगे तो इसे ले जाओगे ना? वो मैं देख लूंगा। बुग्गा, देखा क्या हो गया? अभी जाके पास के गांव के हमारे सब आदमियों को खींच के लाओ, समझे? जाओ, अभी जाता हूँ। जाओ। उस दिन मैंने तुम्हें बचाया, आज तुमने मुझे बचाया है। इस तरह हिसाब चुका के कर्ज उतार दिया तुमने, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमेशा मेरे दुश्मन ही रहोगे। गुड बाय किरण। क्या हुआ? मेरी औरत। औरत? वही वही लक्ष्मी जो है। लक्ष्मी ना? हाँ, वो मंदिर को जा रही है, उसे किडनैप कर लें। ऐसा क्या? लक्ष्मी, क्या है शेखर? लक्ष्मी कहाँ है माँ? वो मंदिर गई है बेटे। तो बहुत बढ़िया है। काल भैरव, ये चिड़िया हमारी है। है? ऐसा? ले जा। उस दिन नहीं मिल सकी तो आज मिल गई हो। उस दिन हमारी शादी के वक्त तुमने मुझे ठुकरा दिया था, कहा था मुझे नहीं ब्याह होगी, हैं? आज ब्याह करूंगा ब्याह। लक्ष्मी माँ मंदिर से लौट रही थी, रास्ते में गंगा ने आकर उन्हें पकड़ लिया। मालिक क्या कहता है? शायद अब तक तो वहाँ लक्ष्मी माँ ने जान भी दे दी हो। जी, मालिक, इन आंखों से देखा है मैंने, सचमुच इन आंखों से देखा है मैंने, इन आंखों से।
ठीक हो जाएगी। जानते हुए कौन है? अपनी ज्योति की भाभी, शेखर की वाइफ। बेचारा घरवाले कहां कहां ढूंढ रहे होंगे। शेखर को लेकर मैं अभी आता हूं। ठहर जाओ, मैंने तो यहीं पर दिल से चाहने वाला दूर हो तो दिल को कितनी तकलीफ होती है ये शेखर को भी मालूम हो। राजा, शेखर को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। क्यों,
व्यापार करने को। मेरे साथ व्यापार? आश्चर्य हुआ ना, इसी को समय कहते हैं। जो मुझे चाहिए वो उस दिन तुम्हारे पास था, और आज तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। क्या है? तुम्हारी वाइफ कहाँ है ये केवल मैं जानता हूं। कहाँ लक्ष्मी? ये जानने से पहले एक शर्त है। वो क्या? इस अंधेरे जीवन में अगर ज्योति फैला सको तो तुम्हारे अंधेरे घर में मैं रोशनी कर सकता हूं। यानी सिंपल, अपनी ज्योति से मेरा ब्याह करा दो। ज्योति से दूर रहकर मैं तकलीफ उठा रहा हूं, वैसे ही लक्ष्मी से दूर रहकर तुम भी तकलीफ उठाओगे। धमकी से डर जाऊंगा ये समझते हो ना? आखिरी सांस रहने तक अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ तो कभी नहीं करूंगा। तो मेरी आखिरी सांस तक अपनी वाइफ का मुंह तुम भी नहीं देख सकोगे। लक्ष्मी कहाँ है? ग्राउंड नंबर। लक्ष्मी कहाँ है बताते हो या नहीं? नहीं बताऊंगा। इसी वक्त का इंतजार कर रहा था मिस्टर। We'll be right back.
उस स्वर्गवासिनी माँ की सुगंध खा के कहता हूं, उस दिन की पहली चोरी के बाद मैंने जीवन में दोबारा चोरी कभी नहीं की है, आज तक कभी नहीं की है। उस काल भैरव ने यहां बांध दिया है मुझे, शिखर की ओर को ढाल ले गया है वो। ऐसा जान पड़ता है कि सारा काम उस काल भैरव के आदमियों का है। मां ज्योति, ज्योति मां, तो कोई भी नहीं। किरण, ये पापी काम किसी का भी हो, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये है हम दो बहादुरों की सौगंध। ले, ये लक्ष्मी नहीं भैरव, वो लक्ष्मी चाहिए। कौन सी? देखो वहां खड़ी है सोने की मूर्ति। वह क्या? मैं जा रहा हूं। बेटे बड़े रसिक हो तुम, जाओ ले लो। शेखर और किरण इस तरफ आ रहे थे। इस तरफ आ रहे थे उन दोनों को खत्म करके। आज मैं ही तुम्हारा पति हूँ, कितना भी चिल्ला वो तुम्हारा पति कहलाने वाला अब नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकता? मर गया वो। नहीं, मरे नहीं। अच्छा, अगर चाहते हो तो इन तीनों को छोड़ दो। नहीं तो तेरी लाश नीचे गिरेगी।
आइए, इसी ने ब्लू मून होटल के नीलकंठ राय का मर्डर किया, इसे फांसी दे दो। ब्याह में तो आप पूछते हैं कि लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद है या नहीं। आज मैं पूछता हूं, हम दोनों की आज की शादी आपको पसंद है ना? अरे